आगे आओ, दर्शन कराओ सब। दोस्तों हमारी टीम फिर निकल चुकी है एक नए मंदिर के दर्शन करने के लिए, और आपको भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों हमारी सेम टीम है जो पिछली वीडियो में आपने देखी थी। हमारे साथ हैं सुमित साहब, हमारे साथ हैं जेपी साहब, और मैं हूं आपका दोस्त राजीव, और ये है हमारा पायलट निसार जो स्टेट बीसी है। नहीं बोल रहे हैं, पायलट पूरा लगा हुआ है, सीधा मंदिर के पास ही जाकर रुकेगा। दोस्तों खाना भी नहीं खाया, दोस्तों अभी खाना भी नहीं खाया है, पायलट भी भूखा है। दोस्तों हमारा पायलट भी भूखा है, खाने के लिए परेशान है, हम भी भूखे हैं सभी लोग। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको, आज हम जिस मंदिर का दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं, वो मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, वो भी कौरव और पांडवों के टाइम का बनाया हुआ मंदिर है। वो इस मंदिर के बारे में दोस्तों बताया है हमारे सुमित साहब ने, सुमित साहब बताइए इस मंदिर के बारे में। पांडवों के टाइम में बना हुआ है, पांडव यहाँ पे आए थे, उसी टाइम बनाया, पुराना मंदिर है, अभी हम जाना चाहते हैं। हमने भी देखा नहीं है मंदिर, हम भी देखेंगे कैसा मंदिर है, बहुत प्यारा है क्या। जेपी साहब कुछ बताएंगे इस बारे में। इधर से आपको अमरनाथ जी यात्रा शुरू होता है, इधर से आप अमरनाथ जी यात्रा बहुत नजदीक दूर है, 20 किलोमीटर में जाएगा, चंदनवाड़ी से। अभी तो फिलहाल बंद है यात्रा, तो अभी बंद है, स्नो फॉल गिर रहा है, अभी बंद है। इस साल भगवान कृपा से आपको दर्शन मिलेगा तो बढ़िया है। ठीक है राजेश साहब। दोस्तों मैं और मेरे दोस्त आपको हमेशा नए मंदिर या नई ऐसी जगह जो आपने ना देखी हो ऐसी खोज करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इस वीडियो को एंजॉय करें, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मंदिर आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों कश्मीर का बहुत ही प्यारा मंदिर है जो हमारे दोस्तों ने अभी आपको बताया, और जैसे कि मैंने भी बताया, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी आज ही जाकर उस मंदिर के दर्शन करूंगा अगर हो सका तो। वैसे तो होगा ही, भगवान ने चाहा तो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, बहुत ही प्यारा मंदिर है वो भी, उसका भी लिंक मैं आपको दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में नीचे जाकर देख। दोस्तों पहलगांव में एंट्री हो चुकी है हमारी, यहाँ पर हमारा कुछ टोल वगैरह देना पड़ता है, यहाँ पर छोटा टोल पोस्ट है। कितने? 50 रुपए टोल टैक्स है यहाँ का, 50 रुपए देकर आगे बढ़ेंगे। पहलगांव पहुंच गए हैं दोस्तों, पहलगांव से निकल रहे हैं, पहलगांव से करीब एक घंटा और लगेगा हमको अभी आगे। पहलगांव क्रॉस कर दिया है हमने, पहलगांव से एक घंटा आगे हमको और लग जाएगा हमारे मंदिर तक पहुंचने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे को यहाँ के रोड कंडीशन ठीक लगी, क्योंकि रोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही इजीली आ सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको पूरा कश्मीर में आपको पूरा ऐसा ही रोड मिलेगा, कश्मीर के रोड क्वालिटी बहुत ही बेटर है। हाँ अगर आप जम्मू से आते हैं तो जम्मू से बनिहाल तक का जो पैच है उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलेगा, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनंतनाग से जब आप निकलेंगे तो पहलगांव आना है आपको, सिंगल रोड है, थोड़ी टफ रोड है ये, यहाँ पे ड्राइविंग करना थोड़ा सा इतना इजी नहीं है। हमारा निसार बेचारा अभी बच गया, थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता अभी। यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं दोस्तों, या तो आप आया श्रीनगर एयरपोर्ट से आ सकते हैं, वहाँ से आप सीधा पहलगांव आकर इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, या आप जम्मू से आए बाय ट्रेन और वहाँ से आप पहलगांव पहुँचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हम जिस शिवलिंग के दर्शन करेंगे वो 900 साल पुराना शिवलिंग है दोस्तों, बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से आना है इस मंदिर तक, वो रास्ता मैंने आपको दूर से अभी तक बता रखा था। चलिए आप लोग करते हैं दोस्तों मंदिर के दर्शन, और बताता हूँ कितना प्राचीन है, उसकी क्या क्या खासियत है, आइए मेरे साथ। तो मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ, हमारा ये जलकुंड है जो नेचुरल वाटर सोर्स है, आप इसको पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस मंदिर के बारे में आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, दोस्तों ये 900 साल पुराना मंदिर तो है ही, बट आपको जब भी आप अमरनाथ यात्रा करेंगे तो आपको यहाँ से ही निकलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो शिवलिंग जो 900 साल पुराना शिवलिंग है, आइए दोस्तों।
आइए आगे आओ दर्शन कराओ सर। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मेरे शिव भक्त हैं आप यहाँ पर भी आए और अपने शिव जी के दर्शन करें। दोस्तों बहुत ही पुराना शिवलिंग है, बहुत ही नेचुरल शिवलिंग है, 900 साल पुराना शिवलिंग है जिसके मैं आपको आज दर्शन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर आइए और शिव जी के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों फिर मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग आए और दर्शन करें शिव जी के। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करें, सभी की इज्जत करें, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में इस मंदिर में आने के लिए सारे रास्ते बता रखे हैं, तो आप भी श्रद्धा से आए और शिव जी के दर्शन जरूर करें। देखिए दोस्तों कितने नेचुरल शिवलिंग है, बहुत ही प्यारा शिवलिंग है। दोस्तों हम आपको अभी मंदिर के बाहर से दिखाते हैं कुछ मंदिर का, चारों तरफ से मंदिर किस टाइप का नेचुरल बना हुआ है। और मैं दोस्तों आपको इस मंदिर की कुछ हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। ये सिर्फ दो ही पिलर के ऊपर मंदिर है, इसके अलावा इसमें कोई भी पिलर कॉलम कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैंने जलकुंड के बारे में आपको पहले ही बताया है, जलकुंड बिल्कुल नेचुरल है, आप इसको पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी नहीं है, बिल्कुल मिनरल वाटर टाइप का है। आप बिल्कुल भी इसको पीने के लिए यूज करें, कुछ भी करें, इससे आपको कोई भी बीमारी या किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों आप मंदिर का नेचुरलिटी देखिए, इसमें कोई भी वॉल है ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल बोल्डर से बना हुआ मंदिर है, ये 900 साल पुराना मंदिर है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि अलग से या अभी आर्टिफिशियली यूज की हुई हो, ये नेचुरल बिल्कुल नेचुरल है। आप देखिए पत्थर या बोल्डर से ही ये पूरा निर्माण हुआ है इसका। बाहर से दिखाओ सुमित सर, थोड़ा इधर आ जाओ। दोस्तों देखिए मंदिर की जो नेचुरलिटी है मैं आपको दोबारा दिखा देना चाहता हूँ। आप देखिए दोस्तों साइड से बिल्कुल मंदिर एकदम नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं हुई है, जो सीमेंट है कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपको ये लगे ये मंदिर हमने ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ये मंदिर दोस्तों नेचुरल बोल्डर से बना के कटिंग करके बनाया हुआ है, और आप जब आएंगे इसके दर्शन करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मन को सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आए और शिव जी के दर्शन जरूर करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे यही दुआ करूंगा कि आप भी आइए और दर्शन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।